That's sick. ओ भाई साहब अब देख लो अब जो मर्जी करो ये देख रहे हो भाई जान बची हो जीते भाई का कल बर्थडे है इनकी जाके प्रोफाइल पे जाओ और हैप्पी बर्थडे लिख लिख के ना और आगे मेरा नाम लिख के ना भाई So, hey guys, good morning, assalamu alaikum, कैसे हो आप सब तो आई होप सो कि आप सब ठीक हो तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मालिक सो गाइस कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे हालात ठीक कहना मींस कि भाई मेरे ना गले में दर्द हो रही है काफी ज्यादा मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि भाई इस टाइम जो फीवर चल रहा है ना सो कोविड का कुछ भी भाई हमने थोड़ा सा परहेज रखी हम बाहर कम निकले जितना हो सके बाहर की चीज कम खाएं हम खुद ये चीज को ना थोड़ा अवॉइड नहीं करते हैं मुझे लग रहा है कि हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि यार मेरी कोई हेल्थ ना ठीक नहीं हो रही पता नहीं क्या चक्कर मुझे लग रहा है कि सडनली थोड़ा ना वीकनेस महसूस हो रही है थोड़ा सा लग रहा है कि बीमार होने वाला हूँ भाई ये देख रहे हो रहीम भाई वेट कर रहे थे सो आज काफी ज्यादा लेट हो 6:55 हो चुके हैं सो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं भाई कब से वेट कर रहे हैं ना मेरा दिल ही नहीं था जिम जाने का बट क्या करूं फिर मैं चलो यार लगा के आता चक्कर कुछ ना कुछ करके आते हैं फिलहाल तो कोई आज कोई प्लान तो नहीं है जिम जाएंगे जिम जाने के बाद वहाँ वर्कआउट करते हैं अच्छी तरीके से जितना भी हो पाता है तो उसके बाद घर आएंगे वापस उसके बाद नेक्स्ट प्लान करेंगे चलो आपको ले चलता है पहले जिम में मैं आपको नोट कराता हूँ भाई चेक करो यार ऑडियंस देख रहे हो सो कुछ टाइम पहले लगा कि भाई ये टीवी में लगा बट टीवी नहीं था भाई ये रियल में यहाँ पे कर रहे थे तो फिलहाल भाई हम अपनी जिम कर रहे हैं पूरी कंप्लीट देन उसके बाद फिर सुनते हैं तो गाइस वेदर चेक करो आज वेदर फिर खराब है आज जो वेदर है ना वो रील शूट करने का सो फिलहाल शॉप ओपन हो चुकी है वो रही है अपनी थार सो थार के भी आज थोड़ा बहुत हमने एक चीज़ ट्राई करनी है अगर मे बी वो चीज़ हो पाई तो वो चीज़ करनी देन अभी तो फिलहाल सिमट वगैरह उतर रहा है सो ऑफिस अभी ओपन नहीं करेंगे क्योंकि भाई धूल ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए भाई फिलहाल सिमट वगैरह उतने दो देन उसके बाद फिर कुछ देखते हैं यार मौसम काफ़ी अच्छा है सो आज मैंने सोचा कि यार अपने बोलो राजू को बाहर निकालते हैं क्योंकि इसको चलाए हुए काफ़ी देर हो गई है तो इसको चलाना पड़ेगा वरना इसकी बैटरी भी उसकी तरह इंटरसेप्टर की हो जाएगी भाई सो ये कुछ हालात है इसके भाई फिलहाल तो अभी इसमें फ्यूल वगैरह सब कुछ है तो चलते हैं सीधा आज फिलहाल जाना काम पे सबसे पहले अपने जेठा भाई वेट कर रहे हैं अपने रेडसन के बाहर आज मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल मूड नहीं भाई मौसम इतना अच्छा है ना कि गाड़ी को हाल करने दिल ही नहीं कर रहा इसमें थोड़ा बहुत जो ना वो कपड़ा वड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा हो चुकी है सो उनकी थार को ना एक तो आमलेस लगवाना है देन उसके बाद ना मैंने अपने ना आज अलॉय ड्रम वगैरह का पता करना है वो भी चीज़ पता करनी है दिक्कत यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ और रास्ते में बारिश वगैरह पड़ जाए वो सीन ना होना चाहिए बाकी ये देख रहे हो इस पर मिट्टी कितनी ज़्यादा हो चुकी है भाई कि लाइट करते हैं एक मिनट ऑन ऑन ही भाई सब कुछ ऑन ही स्टार्ट करते हैं यार सो क्या लगता है आपको कि एक मिनट स्टार्ट हो जाएगा क्या मुझे लगता है हो जाएगा स्टार्ट लेट्स चेक ओ भाई साहब तो स्टार्ट हो चुका है चलो निकलते हैं यार आज करते हैं मोटर ब्लॉग सो फाइनली गाइस वहां से निकलने के बाद फिलहाल मैं आया था बाइक लेके सो मैंने अपने बाइक पार्क वेव मॉल के बाहर सो अभी हम लोगों को कुछ काम था यहां पे सो अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्शन ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ जम्मू सो कुछ इस तरह की लोकेशन पे फिलहाल हम लोग तो ये देख रहे हैं हम आए जेठा भाई की गाड़ी में सो ये देख रहे हो तुम एसी वेंट से तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई ये अपनी गाड़ी नहीं ये जेठा भाई की गाड़ी है सो वो गए अंदर सो वो निकलेंगे थोड़ी देर में बाहर तो हम उसके बाद निकलते हैं आज ना इसका जो आम रेस्टोरेंट है यहाँ पे वो लगवाना क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई कह रहे थे कि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे आज ना आमरस लगवाते हैं देन बाकी तो अदरवाइज हम लगवाते रहते हैं कुछ ना कुछ फिलहाल आज जो मोटिव है ना वो आमरस लगवाने का फिलहाल चलते हैं सिद्रा में कुछ खाएंगे पिएंगे देन उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट प्लान करते हैं आमरस का तो फाइनल है ना तो देन जो भी डे बाय डे बनेगा तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा यार तो अप्रोक्स लंच का टाइम हो चुका है भाई फिलहाल हम जहाँ पे लंच आज करने लगे हैं मुस्लिम ढाबा भाई टेस्ट बड़ा मैटर करता है हमारे लिए सो भाई चलते हैं अंदर जाके लंच करते हैं देन उसके बाद फिर कोई प्लान करते हैं फाइनली गाइस हम निकल आए वहां से सिद्रा से सो बताया कि भाई हमने आमरस डलवाना है सो भाई को ना कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा ओ भाई साहब देख ये क्या था भाई ये क्या था सो ये देख रहे तुम
भाई के ना भाई सबसे काफी ज्यादा दर्द हो रही है, भाई कह रहे कि भाई मेरे भाई से दर्द हो रही है, आमरस लगवाना भाई ने एक मस्त वाला, और कह रहे कि बजट ना अच्छी क्वालिटी का लगवाना है, लो बजट का नहीं लगवाना है, तो अच्छी क्वालिटी लगाएंगे तो वो थोड़ा टाइम निकाल देंगे, सो अगर आप लो क्वालिटी लगे तो वो ना बिल्कुल डाउन में चले जाते हैं। जगह से मैंने अपना आमरस लगाया था ना, तो मैंने कहा वहीं चलते हैं, तो फिलहाल हमें डलवाना सिंगल ही सोलो डोर आ चुके हैं इस टाइम त्रिकुट नगर साइड में, सो चलते हैं वहां पे जाके आमरस डलवा के बताते हैं कि भाई किस तरह लगने वाला अपना आमरस। और क्लाउड देख रहे हो तुम भाई, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो अगर किसने मस्त मस्त रील देखनी है भाई। सो फाइनली गाइस हमारा ना आमरस डलना स्टार्ट हो चुका है, कलरिंग में थोड़ा फर्क होगा क्योंकि मेरी ना रेड वाली कलरिंग है, सो इनकी व्हाइट वाली है, सो ये कुछ इस हिसाब से फिट हो रहा है। तो भाई इसके बिना ना अपनी गाड़ी अधूरी थी सर, जो तो इसके बिना मजा ही नहीं आ रहा था बैठने का, ना तो मुझे आ रहा था ना तो जीडो भाई को आ रहा था, गाड़ी फुल मॉडिफाई हो गई थी, बट इसके बिना ना क्या बोलूँ कि क्या किस हिसाब से लग रहा, ऐसा लग रहा था कि भाई हाथ कहाँ रखें, क्या करें क्या नहीं करें। सो ये कुछ इस तरह की आइटम थी भाई, ये फिट हो चुके हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट भाई, ये यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चल रहा है, अब अंदर चलते हैं, देन भाई की शॉप पे आते हैं काफी दिनों के बाद ना, कि क्या चीज़ मिल जाती है क्या नहीं चीज़ मिलती है। सो अक्षय भाई के पास आई थिंक सो कि भाई सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो फिलहाल चेक करते हैं कि अगर कोई न्यू चीज़ मिलती है सो भाई से ना ले लेते हैं। तो आई थिंक सो कि भाई लग चुका है, तो अभी जेड भाई जाएंगे थोड़ा चेक करेंगे कॉफी खत्म हो जाए, देन उसके बाद फिर जाके चेक करेंगे। अपना आमरस लग चुका है गाइस, ये वाली फीलिंग चाहिए थी हमें, सो अब देख लो अब जो मर्जी करो, ये देख रहे हो जान बची हुई। जदा भाई को ये चीज चाहिए थी, जदा भाई कह रहे थे कि यार बाजू थक जाती मेरी, तो इस चक्कर में सबसे बेस्ट जो लगवानी थी ना, अब ये चक्कर है कि आपको हैंड ब्रेक नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, दिक्कत वो वाली दिक्कत चलेगी, ये वाली दिक्कत नहीं चलेगी, ये वाली दिक्कत भाई तंग आ गए थे। और भाई कहते थे कि नहीं भाई आमरस लगवाना है लगवाना, काफी देर से डिले पड़ रहा था, काफी दिन से हम सोच रहे जाएंगे 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 जाएंगे, बट ये चक्कर क्या हो रहा था कि हम ना जा नहीं पा रहे थे। सो अभी चलते हैं किसी कैफे में, अच्छे से कैफे में, सो वहाँ जाके करते हैं अपनी रील शूट जेडा भाई के लिए, और जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जाके जेडा द कॉप आप सर्च करोगे, आप सिर्फ कॉप ही सर्च करोगे जम्मू का, वो सीधा नाम मेंशन हो जाएगा। तो चलते हैं किसी कैफे में जाके वहाँ पे कॉफी पीते हैं, देन उसके बाद फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। चलो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप मारते हैं, देन उसके बाद फिर निकलते हैं यार। अपनी बाइक आज ये लगी हुई है, सो अपनी गाड़ी नहीं आई है आज, हम मैंने बुलेट राजा लेके आया हूँ, सो भाई को करते हैं भाई भाई अस्सलाम वालेकुम सर, चलते हैं मिलते हैं कल। और मैं सच बताऊँ कि भाई अभी मैं ब्लॉग चलाने लगाऊँ क्योंकि ये ब्लॉग अभी आ जाएगा, जेदा भाई का कल बर्थडे है, इनकी जाके प्रोफाइल पे जाओ और हैप्पी बर्थडे लिख के ना, और आगे मेरा नाम लिख के ना भाई भर दो इनको विशेस करो जितनी हो सके। सो हम तो दुआ करते हैं, और कल इनके बर्थडे का ब्लॉग भी आएगा मस्त वाला, सो चेक जरूर करना। सो फिलहाल चलते हैं, अभी निकलते हैं, हम लेट हुए काफी ज्यादा। सो आमरस जो डलाना था ना, सो क्या बोलते हो आमरस कैसा था? बहुत अच्छा, और भाई ने काफी तारीफ की आमरस की, बता तुम्हें यार। सो चलते हैं यार, निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, और अब बुलेट राजा पे जाएंगे और फिर घर जाके आपसे फिर मिलते हैं। इसमें काफी दिन से कह रहा था कि भाई मैंने व्लॉग में नाम नहीं लिया, सो आज काफी दिनों के बाद मैं घर से लास्ट में व्लॉग एंडिंग कर रहा हूँ, वरना रास्ते में कहीं भी एंडिंग कर देता व्लॉगिंग की। सो फिलहाल आज मुझे मौका मिला है कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि नाम लेने के लिए, सो इतने प्यारे पे रिकमेंड किए, सो उनके नाम लेने जा रहा हूँ। सो फर्स्टली अपने हैं भाई एक्सप्लो किश्तवाड़ अक्षय शर्मा, इन्होंने कहा था कि मेरा नाम ले लेना भाई, देन केशव भाई हैं कोमनासा से जम्मू से, इन्होंने कहा नाम लेने, देन अपने एक अतीक व्लॉग हैं तो भाई इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, इन्होंने कहा था कि भाई उधमपुर से ये भी, तो इन्होंने कहा था भाई, देन उसके बाद अपने दानिश मनहास हैं, ये भी पुंछ से हैं, तो इन्होंने कहा था नाम लिख लिया, देन उसके बाद जाहिद है तीरथ से हैं भाई, तो उसके बाद अपने हैं जरगर कामरान व्लॉग्स, इन्होंने कहा था भाई इनके चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, ईशान चौहान इन्होंने कहा था भाई नाम लेने के लिए, देन उसके बाद है तनबीर, इन्होंने कहा था नाम लेने के लिए, उसके बाद इट्स आरिश सो वन एस, तो इन्होंने कहा था नाम लेंगे, कुछ काफी सारे नाम थे भाई जो कि तीन चार पांच नाम जो फर्स्ट भी आते हैं ना, तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ। तो काफी दिन से हम अपलोड नहीं कर रहे थे, वो अपलोड क्यों नहीं कर रहे क्योंकि भाई शोएब भाई की गाड़ी ना थोड़ी सी ना अब गैरेज में लगी हुई है, तो वो अभी वापस नहीं आई है, इस चक्कर में वो अपलोड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर अपलोड करेंगे तो अपलोड करें टोशन किससे करेंगे भाई, तो उनकी विंच देखा उनकी विंच थोड़ी सी खराब हो गई थी, उस चक्कर में हम अपलोड नहीं कर रहे, मे बी हम कल संडे को अपलोड करने जाएं, तो अभी कल जेड भाई का बर्थडे भी है, सो होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है ये लाइफ स्टाइल वाले सो तभी मुझे कमेंट कर देना, अगर नहीं इसलिए तभी कमेंट कर देना कि भाई आपके कमेंट ना मेरी थिंकिंग चेंज होती है, मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो कमेंट कर दिया करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देगा, लव यू टेक केयर, आई थिंक सो कि आपको ब्लॉग पक्का अच्छा लगेगा, इजी को टू प्लस मैं डाइट होकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लव यू टेक केयर, बाय 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 बाय।